सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम। आइए मित्रों, आज हम रचनानुवाद कौमुदी की लाइव कक्षा संख्या 129 29 को पढ़ेंगे। 128 कक्षाओं को हमने पढ़ लिया है। हमारा 47वां अभ्यास चल रहा है मित्रों, ये 47वां अभ्यास चल रहा है और शब्दकोश मैंने आपको पढ़ा दिया था। मनस और हविष शब्द के रूप भी आपको स्मरण करा दिए थे मैंने, ठीक है, और व्याकरण में सु धातु को भी बता दिया था, ठीक है, और सामान्य थे। अब हम इसमें आज पढ़ना आरंभ करेंगे ही नियम 158, जो मुख्य रूप से समास का प्रकरण आरंभ हो चुका है। समास को पढ़ रहे हैं, पिछले अभ्यास में भी हमने एक समास को पढ़ा था, अव्ययी भाव समास। आज दूसरा समास आपको दिख रहा है, तत्पुरुष समास, इसको पढ़ेंगे। तत्पुरुष समास कितने प्रकार का होता है, उसके उसका कैसे पहचान करें आदि सब बता देंगे। चलिएगा, नियम 158 तत्पुरुष समास, ठीक है। तत्पुरुष समास की परिभाषा बताते हैं, डेफिनेशन बताते हैं। ये आपको कहते हैं तत्पुरुष समास उसे कहते हैं जहां पर दो या अधिक शब्दों के मिलने से द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का लोप होता है। एक बहुत मोटी सी पहचान बता रहे हैं, अच्छी पहचान है कि तत्पुरुष समास उसे हम कहते हैं, उसको जानते हैं कि जहां पर दो शब्द या दो से अधिक शब्द, ठीक है, उन शब्दों के मिलने से, दो शब्दों को मिलाएंगे या दो से अधिक मिलाएंगे, तो मिलने पर उसके जो पद हैं उसमें एक पद, एक पद में क्या है, जो पूर्व वाला पद है उसमें द्वितीय विभक्ति हो, द्वितीय विभक्ति का, अथवा तृतीय अथवा चतुर्थी अथवा पंचमी अथवा षष्ठी अथवा सप्तमी विभक्ति का लोप होता हो, ठीक है, लोप होता हो। लोप का मतलब है, अभी उदाहरण बताएंगे कि कहते हैं समास होने पर बीच की विभक्ति का लोप हो जाएगा, माने समास हो जाता है तो बीच की विभक्ति तो हट जाती है, बाद वाली रह जाती है, बाद में तो रहती है। जैसे राजपुरुष था ये आपका, हमने उदाहरण ये राजपुरुष, ठीक है, ये देखिएगा ये राजपुरुष है, तो राज की जो यहां विभक्ति थी वो तो हट गई, हट गई ना, क्या थी विभक्ति, हमने इसका विग्रह आपको पीछे दिखाया था, राज्या पुरुष, ये अलग अलग शब्द तो ऐसे थे, दोनों को मिला दिया तो क्या बने राजपुरुष, तो ये बीच वाली विभक्ति हट गई, बीच की विभक्ति हटी है, और ये कौन सी विभक्ति है, ये षष्ठी विभक्ति, एक वचन षष्ठी हटी है, हटी है, इसका मतलब ये कौन सा है, इसमें षष्ठी विभक्ति का लोप हुआ है, तो ये कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास है, ये तो पक्का हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से और भी ये विभक्ति द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी आदि का दिखाएंगे। षष्ठी का एक सरल उदाहरण है, इसलिए आपको मैंने बताया है। समास होने पर बीच की विभक्ति का लोप हो जाएगा, जैसे कि यहां पर हो गया, ठीक है। जिस विभक्ति का लोप बीच में होगा, बीच में जो भी विभक्ति होगी उसका लोप होगा, उसी विभक्ति के नाम से वह तत्पुरुष समास कहा जाएगा, ठीक है। यदि षष्ठी विभक्ति का लोप हुआ तो वह षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा, द्वितीय का हुआ द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय का हुआ तृतीय तत्पुरुष,
चतुर्थी का हुआ है चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी का हुआ है तो पंचमी तत्पुरुष, सप्तमी का हुआ है तो सप्तमी तत्पुरुष, माने उसी विभक्ति के नाम से उस तत्पुरुष का नाम पड़ जाता है। इसमें कौन सा तत्पुरुष मानेंगे, कहेंगे षष्ठी का लोप हुआ तो षष्ठी तत्पुरुष, ठीक है चलिएगा। जैसी आगे उदाहरण दिखा रहे हैं और स्पष्ट हो जाएगा आपको। जैसे द्वितीय तत्पुरुष षष्ठी तत्पुरुष समास आदि, ठीक है। और कहते हैं एक मोटी पहचान अर्थ के विषय की कि हम अर्थ को देख करके भी पहचान सकते हैं तत्पुरुष समास है कि नहीं है, ठीक है। कहते हैं इसको याद कर लेना चाहिए, उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुषः। जैसे पिछले वाले में पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययी भाव था, जिस समास में पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता हो वो होता है अव्यय। इसी प्रकार से इसमें कि उत्तर पद माने जो दो पद हैं तो जो बाद वाला शब्द है तो समास होने पर उसे बाद वाले शब्द की प्रधानता रहती है, मुख्य वही माना जाता है। तो ऐसा जहां पर प्रतीत होगा समस्त पद में वो तत्पुरुष समास कहलाएगा। उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता जहां होती है जिस समास में वो समास तत्पुरुष समास कहलाता है, सीधा सा अर्थ है। इसमें बाद वाले पद का मुख्य अर्थ होता है, ठीक है। जैसे ये लिख लीजिएगा राज पुरुषः, तो इसमें राज पुरुषः बुला कहने से किसका मुख्य होता है, कौन आता है, मुख्य पुरुष आता है, परंतु पुरुष का संबंध ऐसा राजा से होता है, राजा तो नहीं आता, पुरुष ही तो आता है, तो उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है। जैसे आप नंबर से ले रहे हैं, आप नंबर से समझ लीजिएगा, ठीक है। द्वितीय का लेते हैं, द्वितीय व्यक्ति है, जैसे कृष्णम आश्रिता कृष्णा आश्रिता, इसका अर्थ है कृष्ण के आश्रित व्यक्ति, ठीक है। कृष्ण के आश्रित जो कोई व्यक्ति है वो क्या है, कृष्णाश्रिता। तो यहां पर ये द्वितीय विभक्ति है, समास हो गया द्वितीय हट गई, तो इसलिए कौन सा समास हो गया, द्वितीय तत्पुरुष समास। और इसका अर्थ माने आश्रित, आश्रित जो व्यक्ति है उसको कहा जा रहा है कृष्ण के आश्रित जो व्यक्ति है, न कि कृष्ण को कहा जा रहा है। तो उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता भी है, उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता भी है, ठीक है। दुखम अतीताः, माने दुखम अतीताः दुखातीताः, माने दुख को अतीत हमारे प्राप्त, ठीक है, माने दुख को जो अतीताः, अतीता माने जो प्राप्त हो गया दुख में चला गया, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ये द्वितीय का लोप हुआ दुखम के मां अम का, तो ये दुखाती द्वितीय तत्पुरुष हो गया, ठीक है। भयम प्राप्ता भय प्राप्ता, तो भय को प्राप्त जो व्यक्ति, तो यहां पर भी द्वितीय ये भय भय प्राप्ता द्वितीय तत्पुरुष हो गया। इसी प्रकार से तृतीय, ठीक है, ठीक है। यहां पर आप सब जगह देखेंगे इसका अर्थ प्रधान है इनका, भय प्राप्त माने प्राप्त हुआ व्यक्ति, कोई पुरुष आदि है, ठीक है, कोई भी प्राणी पुल्लिंग है उसको कहा जा रहा है, ठीक है। तृतीय बाणेन आहताः बाणाहताः, बाण के द्वारा आहत माने घायल व्यक्ति या मारा गया, तो ये तृतीय वो भी बाणाहताः। खड्गेन हताः खड्गहताः, तलवार से मारा हुआ या मरा हुआ है, तो ये तृतीय तृतीय है, तो तृतीय तत्पुरुष हो गए। नखैः भिन्नः नख भिन्नः, नाखों से नाखूनों से नाखूनों से फाड़ा हुआ, तो नख भिन्नः, तो तृतीय तत्पुरुष हो गया, तृतीय का लोप हो गया। हरिणा त्राताः हरित्राताः, हरि के द्वारा भगवान के द्वारा रक्षित व्यक्ति, तो यहाँ पर भी तृतीय हो गया। विद्याहीनः विद्याहीनः, विद्या से रहित व्यक्ति, ठीक है,
तो यहां ये भी तृतीया हो गया, ज्ञाने न शून्य, ज्ञान शून्य, ज्ञान से रहित तृतीया तत्पुरुष है। ऐसे ही है मात्रा सदृश, मातृष्टदृश, माता के समान जो भी कोई है, पित्रा तुल्य, पितृतुल्य, पिता के तुल्य व्यक्ति कोई, एकेन ऊनम एकोनम आदि, माने एक से ऊनम माने कम है जो, उसको क्या बोलते हैं एकोनम, माने एक से कम है जो, उसको बोलते हैं एकोनम। वो कुछ भी हो सकता है, एकोनम दस भी हो सकता है, नौ भी हो सकता है, माने ऐसा नौ जिसमें एक कम है, ऐसा दस जिसमें एक कम है, तो ये क्या उसका विशेषण बनेगा। ठीक है, तो ये यहां पर ये तृतीय तत्पुरुष के आपको उदाहरण दिखा दिए। चलिए आगे आ जाइएगा, सरल है, कठिन नहीं है, इतना कठिन नहीं है, सरल है ये। देखिए आगे है चतुर्थी का, यूपाय दारु, यूपधारु, यहाँ यूप होता खंबा, खंबा के लिए लकड़ी, ठीक है, खंबे के लिए लकड़ी वो क्या कही जाते हैं यूपदारु, तो चतुर्थी का लोप हो गया, चतुर्थी तक पुरुष समास हो गया। गवे हितम गोहितम, गौ के लिए जो हितकारी, तो गोहितम चतुर्थी है ये, ठीक है। भूताय वाली, भूता वाली माने प्राणियों के, भूतों के लिए बली, बली मानी आहुति वाली बली होती है कुछ, ठीक है, तो भूतबली चतुर्थी है। द्विजाय इदम, द्विजार्थम माने द्विजाय इदम, द्विज के लिए यह, ठीक है, द्विजाय इदम द्विजार्थम, द्विज माने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ऐसे तो मनुष्य मात्र को द्विज कहना चाहिए हमारे हिसाब से तो, ठीक है, तो प्राचीन काल की बात है ये, ठीक है। स्नानाय इदम स्नानार्थम, माने स्नान के लिए यह पदार्थ, वो क्या कहा जाएगा स्नानार्थम। भोजनार्थ, भोजनाय इदम भोजनार्थम, भोजन के लिए ये है, ठीक है। तो ये क्या है, ये किसी वस्तु को कह रहे हैं, ठीक है, तो उस वस्तु का विशेषण बन रहे हैं ये मुख्य रूप से, ठीक है। तो यहाँ जो अर्थम शब्द का प्रयोग हुआ है वो इदम, इदम पदार्थ के लिए हुआ है, ठीक, इसलिए इदम का अर्थ प्रधान है यहाँ पर। भोजनार्थम, भोजन के लिए, भोजन के लिए जाना है, ऐसा नहीं, भोजन के लिए कोई कटोरा वस्तु को कहा जा रहा है यहाँ पर, ध्यान देंगे कि वस्तु को कहा जा रहा है यहाँ पर। भोजनाय इदम पात्रम, भोजन के लिए पात्र है, तो पात्र को कहा जा रहा है यहाँ, ध्यान देंगे, ठीक है, केवल के लिए अर्थ को नहीं कहा जा रहा। पंचमी, अपंचमी का देखिएगा, चोराद भयम, चोर भयम माने चोर से भय डर, ये पंचमी का लोप हो गया। पापाद मुक्ता, पापा मुक्ता, पाप से छूटा हुआ, पंचमी का लोप, पंचमी तत्पुरुष है। प्रासादात पतितः, प्रासाद पतितः, प्रासाद माने महल से गिरा हुआ व्यक्ति। वृक्ष पतितः, वृक्ष से गिरा हुआ, ऐसे अश्व पतितः, अश्व से गिरा हुआ माने यहाँ पर वृक्षात पतितः, वृक्ष पतितः, अश्वात पतितः, अश्व पतितः, रोगात मुक्तः, रोग मुक्तः, शुभा, ठीक है, शत्रोः भयम्, शत्रु भयम्, राज, तो राज्य भयम, राज भयम, राज्य पंचमी में राज्य बनता है, षष्ठी में भी बनता है, ठीक है। ये तो हो गए पंचमी के आपके। षष्ठी का देखिएगा, षष्ठी सरल है, राज्य पुरुष, राज पुरुष, राजा का व्यक्ति। ईश्वर से भक्त, ईश्वर भक्त, ईश्वर का भक्त। शिव भक्ता मान शिवस्य भक्ता, शिव भक्ता शिवजी का भक्त। विष्णु भक्ता, विष्णु जी का भक्त। देवालय, देवों का आलय माने घर, देवों का मंदिर, अर्थात मंदिर को देवालय बोलते हैं, देव रहते हैं,
ठीक है। देव मंदिरम, देवों का देवानाम मंदिरम, देव मंदिरम, तो ये भी षष्ठी है। ठीक है, सप्तमी में आ जाइएगा। अब जो षष्ठी का लोप हुआ इसलिए षष्ठी तत्पुरुष है। शास्त्रे निपुण, शास्त्र निपुण, शास्त्र में जो निपुण है उसको क्या बोलते हैं? शास्त्र निपुण व्यक्ति। तो यहाँ सप्तमी का लोप हो गया, देखेंगे आप यहाँ ये। ठीक है, विद्यायाम निपुण, विद्या निपुण, सप्तमी का लोप हुआ विद्यायाम। युद्धे निपुण, युद्ध में निपुण व्यक्ति। जले लीन, जल में लीन मन डूबा हुआ, तो जल लीन सप्तमी का लोप हो गया है। जले मग्न, जल मग्न, कार्य चतुरा, कार्य चतुरा, कार्य दक्ष, कार्य दक्ष, सब जगह सप्तमी का लोप हो रहा है। अब आप समझ गए होंगे कि ऐसे ऐसे समास होता है, पूरा नहीं समझना आपको, बस इतना संस्कार बना लेना है, इतना भी आपको काफी संस्कृत पढ़ने में सहायता करेगा, गीता आदि श्लोकों के अर्थ निकालने में आपको सहायता करेगा। ठीक है, चलिए ये हो गया मित्रों, अब आ जाइएगा। अब आपको गृह कार्य दिया जाता है, ठीक है, लीजिएगा। अभ्यास 47, उदाहरण वाक्य नंबर 1। चलिए, नंबर 1, मनसि ईश्वरम चिंतया, मन में ईश्वर का चिंतन करो। सरल है, मन में सप्तमी। 2, चेतसा रहसि अपि अहांसि एनांसि वा न कुरु। कहते हैं चेतसा माने मन से भी, रहसि माने एकांत में भी, अहांसि अथवा इनांसी माने दोनों का अर्थ पाप है, तो पाप न करो, मत करो। रक्षांसी तमसी विचरंती, राक्षस लोक अंधकार में विचरण करते हैं। 4, नवसी रवि तेजो भी ज्योतिर्भी च प्रकाशते। नवसी माने आकाश में, रवि माने सूर्य, तेज के साथ, किरणों के साथ, ज्योति के साथ में प्रकाशित होते हैं। 5, यो यौवने छंदांसि पठ, यौवन काल में छंद माने मंत्रों को पढ़ो। अभी अग्नौ जुहुधि, और अग्नि में आहुति दो। बाल्ये च वयसि सर्पी भक्षय, और बाल्य वयसी में, बालक माने शुरुआत में, बालक शिशु अवस्था में, बाल्य अवस्था में क्या है? घी को खाओ, घी को खाओ। 6, शिव भक्ता राजा पुरुषा मूर्ति पूजा करोति। कहते हैं जो शिव भक्त होता है वो क्या है, और जो राजपुरुष होता है, जो शिव भक्त राजपुरुष होता है, ऐसा है राजा का पुरुष वो कैसा है? शिव का भक्त हो तो वो मूर्ति पूजा को करता है, माने मूर्ति के शिव जी की पूजा करता है। ठीक है, 7, रामः यज्ञार्थं सोमं सोमस्य रसं वा सुनोति, सुनोतु असुनोत् सुनुयात् सोष्यति वा।
कहते राम यज्ञ के लिए सोम का अथवा सोम सोम को अथवा सोम सोमस्य रसम ऐसा कर सकते हैं, चाहे तो आप इसका प्रयोग कर लीजिएगा सोमम अथवा सोमस्य रसम बा, एक ही अर्थ है ठीक है, इनमें से इसका चाहे इसका दोनों भाई, तो सोमस्य रसम बा सुनोती माने निकालता है रस निकालता है अथवा निकाले अथवा निकाला अथवा निकालना चाहिए अथवा निकालेगा ठीक है। तो सुई धातु का प्रयोग दिखा दिया पांच लकार में। कृष्ण प्रातः सुनुते सुनुताम असुनुता सुनवीत सोष्यते वा, कहते हैं जो कृष्ण है वो प्रातः काल सुनुते माने सोम का रस निकालता है ठीक है, अथवा ऐसा भी कर सकते हैं प्रातः काल नहाता है, नहाना भी तो अर्थ है स्वीकार नहाना भी है, तो ऐसा कोई निश्चित नहीं है क्या करता है, रस भी निकाल सकता है प्रातः काल नहा भी सकता है जो भी है। तो सुनते सुनता हम लोट लकार में सुनोता क्या स्ना वो रस निकाला अथवा निकालना चाहिए अथवा निकालेगा, ये आत्मनिपद में दिखा दिया प्रश्न पद में दिखा दिया ठीक है। चलिएगा ये हो गया आपका ठीक है, ये धातु आत्मनिपद में कब होती है ये आगे आएगा व्याकरण में पढ़ना पड़ेगा आपको, जब दो उभयपदी धातु होती हैं उसमें जब कोई क्रिया अपने लिए की अपने लिए की जाती है अपने लिए तो उसमें आत्मनिपद हो जाता है, और जो सामान्य रूप से क्रिया की जाती है उसको परस्मै पद होता है, इन धातुओं में सब मैंने इनमें ही, तो ऐसा अर्थ ले सकते हैं यहां पर तो सबके लिए रस निकालना है यहां पर अपने लिए निकालना है। चलिए अब आपका नंबर आ गया जी, मेरा नंबर तो बहुत हो गया, संस्कृत बनाओ ये आपको वाक्य दिए जा रहे हैं 20, बहुत कम वाक्य तो कम कर दिए महाराज जी ने ठीक है, 20 वाक्य बनाने हैं आपको, चलिए बनाइएगा। अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य, नंबर एक मनः सत्यात् शुद्ध्यति, गलत है, क्या होगा मनः सत्येन शुद्ध्यति, सत्य के द्वारा पवित्र होता है, तृतीया होगी। मने चेते वा ईश्वर से चिंतयति, चिंतयति तो ये गलत है, मने नहीं होता चेते नहीं होता, क्या होता है मनसि चेतसि वा ईश्वरम चिंतयति, मन में अथवा चित्त में ईश्वर का चिंतन करता है। तीन छंदस रक्षसाह छंदसाह एनसाह, तो ये गलत है तीनों, क्या होगा रक्षांसि छंदांसि एनांसि, ऐसा होगा तो नपुंसक लिंग है ना ये। चलिएगा और क्या कार्य दे रहे हैं आपको देखिएगा, चार हा को लट लोट लंग और बिदलिंग में बदलो, ये इनमें बदल दीजिए, खा है ये 16 से 20 मान पांच वाक्य हैं लट लकार में हैं, तो आपको किस में बदलना है जी, हाँ नहीं ये आपका क्या है देखिएगा, ये तो लट लकार का है यहाँ पर, ये लोट का है, ये लोट का है, ये उसका है लिट का है, ये क्या है लोट का है, अब आपको क्या करना है ये है वैसा ही लिख लीजिएगा, और फिर दोबारा इसमें सारे लट में बना दीजिएगा, लोटम बना दीजिएगा, लंग में बना दीजिए, बिजले में बना दीजिएगा ठीक है, इतने बना देना है आपको, लिट में नहीं बनाया इन्होंने ठीक है। चलिएगा आगे है, इन शब्दों के रूप पूरे रूप लिखो, देखिए इनका रूप तो मैंने आपको बनाना सिखा दिया है, आप अपने आप लिखिएगा, लिखा आपने लिख भी लिया होगा कल कक्षा में पढ़ाया था मैंने ठीक है, सबका आप लिखना पड़ेगा एक बार अभ्यास के लिए ठीक है। दूसरा है सुई सुधातु के दोनों पदों में दसों लकारों के रूप लिखो, तो आप देख के समय है आपके पास तो देख के लिखेंगे तो अच्छी बात है, याद तो नहीं हो सकता कठिन है ठीक है, पर देख के लिख सकते हैं आप। चलिएगा तत्पुरुष समास किसे कहते हैं ये, और सोदाहरण लिखो, ये आपको दो एक दो पंक्ति में लिखना है और स्वयं ही जो पढ़ाया गया उससे मिलान करना है ठीक है। चलिएगा अब क्या है गृह कार्य और भी है, समास करो, ये यहां विग्रह दिया है जैसे राजा पुरुषा, इसका समास क्या होगा राजपुरुषा, तो आपको इनका समास बनाना है सबका,
समास बनाना है, ये नहीं बताना कि कौन सा समास है, बस केवल समास बना देना है और इनका विग्रह करना है, इनका तोड़ना है। जैसे राज्य पुरुषा का क्या बनेगा, राज्य पुरुषा, ये इसका विग्रह है। तो इनका सबका ऐसे ही बनाइएगा, ये सारा अभ्यास में आपको पढ़ा दिया गया है, वहां से सहायता ले सकते हैं आप, ठीक है ना, सहायता ले सकते चलिएगा। ये आपका 47वां अभ्यास पूर्ण हुआ मित्रों, आगे की कक्षा में मिलते हैं 48वें अभ्यास के साथ। और मित्रों देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल का आप अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रति माह हमें सहयोग करते रहें। इसके अलावा एक कार्य और बहुत हमारा बड़ा रुका हुआ है, आप सभी का ही कार्य है, संसार के लोगों का कार्य है मित्रों, स्टूडियो का कार्य हमारा आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इसके लिए हम आप सभी से निवेदन करते हैं मित्रों कि आप सभी स्वयं इस कार्य की सदस्यता को ग्रहण कीजिएगा और अपने सगे संबंधियों को सदस्य बनाइएगा। ये कार्य ऐसे संपन्न नहीं होगा, ये सदस्य बनाने से संपन्न होगा, ठीक है। आप सदस्य बनिएगा 5100 रुपए देकर के अथवा 11000 रुपए देकर के मित्रों, और अपने जो सगे संबंधी लोग हैं उनको भी निवेदन कीजिएगा कि मेरी तरफ से निवेदन कर दीजिएगा कि हमारे एक संस्कृत के गुरुजी हैं, उन्होंने ऐसा कहा है कि आप अपने सभी रिश्तेदारों को सूचना दीजिएगा, तो आप इनकी सहायता कर दीजिएगा, अच्छा कार्य कर रहे हैं, ये मेरी तरफ से कह दीजिएगा, आप मेरा नाम लेकर के कह दीजिएगा, ठीक है। आपके ऊपर बात नहीं आएगी, इतना तो कर सकते हैं आप, ठीक है। और स्वयं एक सदस्य आप स्वयं बन जाइएगा, और यदि आप परमात्मा की कृपा से आप संपन्न हैं तो अपने गृह में से एक से अधिक लोगों को भी सदस्य बनाइएगा, ठीक है। क्योंकि सदस्य बनेंगे इसके लिए हमें सैकड़ों व्यक्ति चाहिए सदस्यता के लिए, तो आप सदस्यता को स्वीकार कीजिएगा, सदस्य बनिएगा और इस काम को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दीजिएगा। तो मित्रों आप ये यहां पर सब नंबर दिया है, व्हाट्सएप नंबर दिया, अकाउंट नंबर दिया है, इस अकाउंट से सारी गतिविधियां ये संचालित हो रही हैं, ठीक है, अभी वर्तमान में। और तो आप हमें अपना सहयोग इसमें दे करके सूचित अवश्य करेंगे व्हाट्सएप नंबर पर, जिससे हम रजिस्टर में आपका नाम लिख लें कि आप इस कार्य के सदस्य बन गए। चलिएगा मित्रों आगे की कक्षा में मिलते हैं, हमारा लक्ष्य, हमारा ध्येय, हमारा उद्देश्य एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है, तो आप सभी निरंतर पढ़ते रहते हैं मित्रों, चलिएगा आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।